नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ईवीएम में घोटाला, ईवीएम के खिलाफ देश में कई राजनीतिक पार्टियों का महागठबंधन। 9 अगस्त को महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उग्र आंदोलन। आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मुद्दों को भूल जाइए, केवल कश्मीर पर फोकस कीजिए। इतना तो जान ही लीजिए कि चाहे 370 धारा हटाओ या 35A हटाओ, लेकिन ईवीएम में घोटाला, आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की सरकार की हर कोशिश नाकाम ही रहेगी। जब से बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के नेतृत्व में बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तब से बीते 2 महीनों में देश भर में बस एक ही चर्चा है कि ईवीएम में घोटाला होता है। भाजपा ने ईवीएम में घोटाला करके 2014 और 2019 में सरकार बनाई है। इसी के साथ ही पिछले 5 सालों में मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपड़ बना दिया। देश में बेरोजगारी औसत से ज्यादा बढ़ रही है। मोबाइल सेक्टर बर्बाद हो गया, जिससे 2.5 लाख लोग बेरोजगार हुए। ऑटोमोबाइल सेक्टर बर्बाद हो गया, फिर 3 लाख लोग बेरोजगार हुए। 20 से 25 सरकारी हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ। रेलवे में 3 लाख लोगों की छटनी होगी। 39 सरकारी कंपनियों को खत्म किया जाएगा और साथ में ही 59 कानून को खत्म किया जाएगा। मॉब लिंचिंग में सैकड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिमों की मौत। भुखमरी से गरीबों की मौत। और फिर रिपोर्ट आई कि 29 स्टील कंपनियों पर ताला। कई विश्वविद्यालयों को बंद करने का फरमान। खनन समेत 8 कोर सेक्टर मंदी की चपेट में। भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को फांसी दो आदि की चर्चा थी। इसके बाद अचानक से केंद्र सरकार का एक आदेश निकला, अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दी गई। फिर अलर्ट घोषित हुआ, अमरनाथ यात्रियों का वापस लौटना, सभी पर्यटकों को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। 4 अगस्त की आधी रात से वहां इंटरनेट, फोन और लैंडलाइन बंद कर देना। जम्मू कश्मीर के विपक्ष के सभी नेता नजरबंद करना। और फिर 4 दिनों में ही हालात को कैसे बदल दिया गया। लोग आर्थिक बदहाली पर बात करने लगे थे। देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ईवीएम में घोटालों की बात करने लगे थे। यहां तक कि ईवीएम के खिलाफ देश में कई राजनीतिक पार्टियों का महागठबंधन भी बन चुका था। और 9 अगस्त को महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ वे सड़क पर भी उतरने वाले थे। अब यह सब भूलने लगे हैं। ईवीएम घोटाले पर चर्चा नहीं, हत्या बलात्कार पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी इन पर चर्चा नहीं, मॉब लिंचिंग पर चर्चा नहीं। अब चर्चा तो इस पर शुरू हो गई है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, क्या होने वाला है। धारा 370 को क्यों हटाया गया, 35A को क्यों हटाया गया। यदि देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा हर बार होता है जब जनता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगती है। ऐसा हर बार होता है जब सरकार की नीतियों से जनता में गुस्से का माहौल व्याप्त हो जाता है। और ऐसा हर बार होता है जब सरकार जनता की नजर में गिरने लगती है, तब सरकार इन आवाजों को दबाने के लिए साजिश करती है और देश में ऐसी घटना को अंजाम देती है या देश की बड़ी समस्याओं के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें सभी आवाजें दब जाती है। इतना ही नहीं, सरकार की इस चालाकी या साजिश को जनता समझ नहीं पाती है और बड़ी चूक को भी बड़ी उपलब्धि मानने लगती है, जिसमें लोग ईवीएम घोटाला, मॉब लिंचिंग, हत्या, बलात्कार, बेरोजगारी, भुखमरी, बदहाली, कुपोषण, बाढ़, सूखा इन जैसे समस्याओं को भूल जाते हैं और वही सोचने लगते हैं जो सरकार उन्हें सोचने समझने के लिए नए मुद्दों पर फोकस कराती है। ठीक ऐसा ही कश्मीर में धारा 370 को लेकर हुआ है। सरकार यह नहीं बता रही है कि वह आर्थिक बदहाली को थामने के लिए क्या कर रही है, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं को निपटने के लिए क्या कर रही है, रोजगार पैदा करने के लिए क्या कर रही है, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी इनको खत्म करने के लिए क्या कर रही है।
सरकार की सारी गतिविधियां सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर ही दिख रही है। हमें और आपको भी उन सवालों के जवाब नहीं चाहिए जो एक महीने पहले हमारे सामने थे। हमें भी अब वही दिखाई देने लगा है जो सरकार दिखा रही है। हम पूरी तरह से अपनी समस्याओं पर चुप्पी साध लिए हैं, मगर इतना जरूर जान लीजिए कि हमारी चुप्पी ही हमारे लिए घातक बनती जा रही है। कश्मीर से धारा 370 हटाने पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? सरकार ने यह फैसला आनन फानन में क्यों लिया? इन सारी बातों पर आपकी राय, आपकी सोच हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। साथ में ही हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए और बने रहिए MNTV के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।